नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। बीते दिन जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दिल्ली में राहुल गांधी से उनके रेजिडेंस पे मिलते हैं तो देश की पूरी राजनीति में एक तरह से भूकंप सा आ जाता है, हलचल सी बढ़ जाती है। और उनकी जो मुलाकात होती है उसमें प्रियंका गांधी और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहते हैं। इस मुलाकात को लेकर कि ये कह दिया गया कि पंजाब में चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में ट्यूनिंग सही नहीं चल रही है, इसलिए प्रशांत किशोर यानी कि पीके कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और कांग्रेस की ये प्लानिंग है कि पीके नेशनल लेवल पर अहम रोल निभाएंगे। ये बात पीके ने खुद भी कही है कि मैं कुछ खास करने आ रहा हूँ। मुलाकात में राहुल और प्रियंका ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। ये मीटिंग पंजाब के झगड़े या उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के थी। और कांग्रेस ने इस मीटिंग में एक बड़ा प्लान किया है। पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का एक अहम रोल देख रही है, उसको एक अहम रोल देना चाहती है ताकि पीके इस निर्णायक लड़ाई के लिए कांग्रेस को तैयार कर सके। और इस मुलाकात को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी वो जो कर रहे हैं आगे नहीं करना चाहते हैं, वो ये जगह छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में एक ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ अलग हट करके करना चाहते हैं। आपको याद होगा यूपी के लड़के जिस समय चुनाव हुए थे लोकसभा के तो एक नारा ये दिया गया था, तो उसी नारे को अभी भी सामने रखा जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन में उतरने का फैसला किया था तो प्रशांत किशोर ही पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उन्होंने ही नारा दिया था यूपी के लड़के और यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि ये गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाया था। सामने ये आया कि प्रशांत चाहते थे कि इन चुनाव में चेहरा प्रियंका हो, जो ऐसा हो नहीं सका था उस समय। और 2021 में प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जीत के लिए योजना बनाई और दावा किया कि भाजपा अगर 100 के आंकड़े के पार गई तो वो चुनावी राजनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। और भाजपा 100 के भीतर ही सिमटी और प्रशांत का ये दावा सही साबित हुआ। अब प्रशांत किशोर अमरिंदर के मुख्य सलाहकार हैं और वो महज 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं। अगले साल पंजाब के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में पंजाब में उनकी मौजूदगी कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। पर चुनाव से एन पहले सिद्धू और अमरिंदर का टकराव कोई बड़ा बवाल भी कर सकता है, ऐसे में इसे तुरंत सुलझाया जाना भी जरूरी है और इसके लिए प्रशांत किशोर से बेहतर और कोई नहीं है। प्रियंका गांधी भी यूपी चुनाव को लेकर के एक्टिव हो चुकी हैं। उन्होंने सोमवार को ही यूपी के कांग्रेस नेताओं से एक अहम बैठक की। इस बीच गांधी परिवार से मुलाकात से एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं कि यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर का रोल बड़ा हो सकता है और ये भी संभव है कि इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपना गेम प्लान तैयार कर रही हो। इधर पीके ने यह भी कहा था कि विपक्षी मोर्चे को खड़ा करने में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जून में देश का सियासी माहौल तब बहुत तेजी से गर्माया जब प्रशांत किशोर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से 11 और 21 जून को 2 बार मुलाकात करने पहुंचे थे। तब ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि पवार के साथ मिल करके ममता बनर्जी कोई बड़ा खेल करने वाली है, वो यूपीए के पैरेलल कोई एक मोर्चा खड़ा करना चाहती है। हालांकि तब खुद प्रशांत किशोर और शरद पवार ने इन अटकलों से किनारा कर लिया था, इनको काट दिया था, इनको खारिज कर दिया था। दोनों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बिना थर्ड फ्रंट का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद 22 जून को राष्ट्रमंच की बैठक होती है जिसकी अगुवाई तृणमूल के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा करते हैं।
राष्ट्रमंच की बैठक में शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीआई के डीजी राजा, राइटर जावेद अख्तर भी शामिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बैठक के तीसरे मोर्चे के सवाल पे प्रशांत किशोर ने यह साफ किया था कि ऐसा कोई तीसरा या चौथा मोर्चा मोदी को टक्कर नहीं दे सकता है। तब उन्होंने ये कहा था कि 2024 के इलेक्शन के लिए विपक्षी मोर्चे को खड़ा करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अचानक से जो अब ये डेवलपमेंट हुआ है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस कोई गेम प्लान कर रही है। वो गेम क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।